Dear student, as we have already discussed about the burden of tax and benefit of the tax, burden किस पे ज्यादा होता जाएगा, तो जब हमने प्रोग्रेसिव टैक्स में देखा है तो उसमें जो जो इनकम ज्यादा होती जाएगी, जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उन पे बर्डन ज्यादा होता जाएगा, और जो बेनिफिट है लोअर इनकम वालों को बेनिफिट ज्यादा होगा, जिससे पॉवर्टी एलिवेशन होगी. इन सेकेंड ऑप्शन, वेन टैक्स रेट इज प्रपोर्शनल, तो प्रपोर्शनल टैक्स में टैक्स अमाउंट आर परसेंटेज ऑफ टैक्स रिमेन्स सेम. अगर इनकम 5000 है तो उस पर भी 10% टैक्स लगेगा. अगर उसकी इनकम 50000 हो जाती है उस पर भी 10% टैक्स लगेगा. उसकी इनकम 5 लाख हो जाती है उस पर भी 10% टैक्स लगेगा. टैक्स की अमाउंट चेंज नहीं होगी. यस, जब टैक्स के रेट सेम रहेगा तो हाई इनकम का पोर्शन ज्यादा बन जाएगा, लो इनकम का पोर्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. लेकिन अगर इसको पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब इनकम में परसेंटेज चेंज नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफ आपको कंप्लीट एक पिक्चर देगा कि यस, जो जो आपके टैक्स रेट सेम रहता है तो लोग भी स्विच नहीं करेंगे फ्रॉम लो क्वांटाइल टू हाई क्वांटाइल. जितने लोग लो क्वांटाइल में, दे आर रिमेन इन लो क्वांटाइल. जो हाई क्वांटाइल में है वो वहां पे स्टक रहेंगे, उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आगी. इसलिए यहां पे पॉवर्टी एलिवेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, यहां पर इनकम एक्विटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, यहां पर वेलफेयर गेन की बात होती है कि वेलफेयर गेन बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि लोअर पोर्शन पे भी उतना ही उसका बर्डन है जितना हाई पोर्शन पे. जिस तरह अभी बात कर रहा था कि यस, जब हम फ्यूल पे टैक्स लगाते हैं तो लो इनकम क्वांटाइल के लोग भी उतना ही टैक्स पे करते हैं जितना हाई क्वांटाइल के लोग पे कर रहे हैं. जिस वक्त गवर्नमेंट प्राइसेस और टैक्स में कमी करती है ऑन फ्यूल प्राइसेस, तो सब लोगों को एक जितना ही बेनिफिट होता है, लेकिन लोग स्विच नहीं करते एक क्वांटाइल से दूसरे क्वांटाइल में. इसलिए ये ज्यादा प्रो पुअर नहीं है. प्रो पुअर के लिए वी हैव टू स्विच फ्रॉम प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेसिव.